हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद सकरी एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वायर शार्क होता क्या है। रिसेंटली फ्रेंड्स, हमने आपको एक वीडियो को थ्रू आपको बताया था, एक वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि डाटा पैकेज क्या होता है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए कि डाटा पैकेज होता क्या है, देन आप इस वीडियो को देखिए। उसका लिंक हम फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं कि डाटा पैकेज होता क्या है। एंड हम आप जैसे कि हमने आपको कहा इस वीडियो में हम बताएंगे वायर शार्क। वायर शार्क होता क्या है कि आप इससे अपने डाटा पैकेज को कैप्चर कर सकते हैं। I mean, जैसे कि हमने उस रिसेंटली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब कोई भी फाइल डाउनलोड करते या फिर अपलोड करते तो वो पैकेट के फॉर्मेट डाउनलोड होता है। तो आप देख सकते हैं वायर शार्क की हेल्प से आप कैप्चर कर सकते हैं कि आपके फाइल कौन से प्रोटोकॉल में जा रहे हैं, TCP जा रहा है, FTP प्रोटोकॉल जा रहा है, मतलब ये सब आप देख HTTPC ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। तो आप वायर शार्क की हेल्प से ये कैप्चर कर सकते हैं कि आपके जो डाटा पैकेट है वो किस फॉर्मेट कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है। तो जो फाइल आप डाउनलोड करें वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं ये आप सब देख सकते हैं। इवन फिर आप अगर आपका विक्टम कोई भी विक्टम अगर आपका नेटवर्क वाईफाई या फिर कोई आपका नेटवर्क यूज़ कर रहा है तो आप वायर शार्क की हेल्प से उसके पासवर्ड एंड उसके यूज़र नेम ID उसको आप देख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर वो HTTP वाले वेबसाइट पर वो लॉग इन किया तो आप आसानी से पासवर्ड एंड उसका यूज़र ID आप जान सकते हैं, चुरा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आप वायर शार्क से ये भी आप कर सकते हैं। इवन आप वायर शार्क की हेल्प से आप जो ब्लूटूथ से फाइल रिसीव करते हैं एंड आप किसी को देते हैं उससे आप कैप्चर कर सकते हैं कि इससे आप कैप्चर कर सकते हैं कि ब्लूटूथ के फाइल को आप कैप्चर कर सकते हैं वायर शार्क की हेल्प से। तो वायर शार्क ये होता है कि आप अपने पैकेट को स्निप कर सकते हैं, आप अपने पैकेट को कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल जा रहा है एंड यूज़र ID पासवर्ड भी आप अपने किसी भी विक्टिम को जान सकते हैं अगर वो HTTP वेबसाइट यूज़ कर रहा है। तो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया कि वायर शार्क होता क्या है। वायर शार्क क्या होता है कि फिर से हम आपको बता दें, वायर शार्क क्या होता है कि आप इसकी हेल्प से आप किसी भी डाटा जो अपलोड कोई भी फाइल जब अपलोड होता है या फिर जब कोई भी फाइल आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है एंड इससे किसी भी विक्टिम का आप यूज़र अगर आपको वो आपके वो नेटवर्क में तो आप उसके यूज़र ID एंड पासवर्ड जान सकते हैं। ये सब आप वायर शार्क की हेल्प से कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ गए होंगे वायर शार्क होता क्या। अगर इस वीडियो से तो कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स का जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस पर हैकिंग से रिलेटेड एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंड आपको बहुत सारी नई चीज़ आपको सिखाते हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक बहुत सारी चीज़ आपको सिखाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। Bye.